पाकिस्तान जो इस समय अपनी इकोनॉमी नहीं सुधार पा रहा है, ना ही अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा पा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान ने जो है अपने देश की चीजों को बेचना शुरू कर दिया है। जब आपको पता होगा, जब कोई इंसान ज्यादा ही कर्ज में डूब जाता है तो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो अपने घरों की चीजों को बेचना स्टार्ट करता है। तो वही करा है अभी पाकिस्तान ने भी। पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत कर दी है और शुरुआत करी है अपने कराची बंदरगाह से लेकर, ठीक है। यानी कि इसने अपना कराची बंदरगाह, जहां से इसका 60% इनपुट जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, उसे यूएई को बेच दिया है। अब इसके पूरी कहानी क्या है, ये डील कब हुई, कैसे हुई, कितने सालों के लिए हुई है, क्या ये केवल पाकिस्तान, जैसे कि सभी को पता है कि अपना ना तो इकोनॉमी ठीक कर रहा है ना विदेशी मुद्रा भंडार ठीक कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए करा है या और भी कोई कारण है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक दो नंबर का क्वेश्चन होगा, एग्जाम में आपसे यहां पर बन सकता है, पूछा जा सकता है। क्लियर है बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पाकिस्तान जो है उसने अपने सबसे बड़ा कराची पोर्ट, ठीक है, उसको लेकर यूएई के साथ अभी जो है एक कंसेंसस एग्रीमेंट जो है साइन करा था, ठीक है। और उसके बाद जब ये साइन करा गया तो पाकिस्तान की सरकार ने इस साइन को, मतलब ये जो डील थी पूरी, इस डील को मात्र 4 दिन के अंदर ही कर लिया था। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने ना कुछ सोचा और ना कुछ समझा, 4 दिन के अंदर ही ये जो है एग्रीमेंट साइन कर लिया। समझ सकते हैं अब देश की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है ना। अब ये जो डील हुई है टोटल 50 साल के लिए करी गई है, ठीक है। कितने साल के लिए हुई है, 50 साल के लिए डील हुई है। लेकिन इसके तहत यूएई की दो बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें 1.8 हजार करोड़ रुपए का जो है निवेश किया है। यानी कि यूए की दो कंपनियों ने इसको, इस पाकिस्तान के इस पोर्ट को खरीदा है, ठीक है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से जब ये स्टेटमेंट आया कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, देश की संपत्तियां क्यों बेच रहे हो, तो इन्होंने कहा कि ये कदम इमरजेंसी फंड जुटाने के लिए पाकिस्तान कर रहा है और कहीं ना कहीं जो IMF है उसकी भी बातों को मान रहा है, इसीलिए ये सब चीजों को करता जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो कराची पोर्ट को बेचने की डील है, इसकी कहानी स्टार्ट होती है 2022 से। 2022 में यूएई ने कराची पोर्ट खरीदने का प्रस्ताव जो है पाकिस्तान की कंपनियों के सामने रखा या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने रखा, जो कि इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के पास ये गया था उस समय पाकिस्तान की, 2022 में, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने क्या करा, पाकिस्तान सरकार ने इस समझौते को हामी तो भर दी, लेकिन हामी तो भरी, उसके बाद इन्होंने जब हामी भरी, लेकिन एक कानून होता है, अगर आपको पता हो, हर कहीं होता है, जिसे कहते हैं कॉमर्शियल जो है ट्रांजैक्शन, यानी कि वाणिज्यिक लेन देन, आपको पता होगा क्या होता है वाणिज्यिक लेन देन अधिनियम। सबसे पहला पाकिस्तान यही करता है कि इस वाणिज्यिक अधिनियम लेन देन में बदलाव कर देता है, ठीक है। अब बदलाव जब करा गया तो जाहिर सी बात है पूछा जाएगा भैया क्यों बदलाव करा, तो पाकिस्तान ने कहा, मतलब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि देश को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। यानी जो मैंने अभी आपको बताया कि भैया वाणिज्यिक जो अधिनियम होता है जिसमें चेंज कर दिया गया इनके द्वारा, अब ये वाणिज्यिक अधिनियम चेंज का मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान ने इस कानून के तहत ये करना स्टार्ट कर दिया कि सरकारी जितनी भी संपत्तियां हैं, हर देश के अंदर होती है, सरकारी जितनी भी संपत्तियां हैं उन्हें बेचा जा सकता है। यानी कि किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आप उन संपत्तियों को बेच सकते हो। इसीलिए इन्होंने जो है इस वाणिज्यिक अधिनियम कानून में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। अब पाकिस्तान, अब इसमें जो है जब ये क्या कहते हैं कराची पोर्ट जो है जब इसकी डील पूरी हो गई, तो पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं इसाक डार, उनके नेतृत्व में एक कैबिनेट कमेटी भी बनाई गई जिसने इसको बेचने का काम किया पूरी तरीके से, पूरा समझा मतलब, ठीक है ना। अब इसी कराची पोर्ट बेचने की योजना जो है बनाने का जिम्मेदारी किसको मिल गई, ये मिल गई इसाक डार की कमेटी को, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर है। चलिए अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप इस इमेज को देखिए, आपको इसमें देखने को मिलेगा कि ये पूरी डील 50 साल के लिए हो रखी है, ठीक है। दूसरा, यूएई की जो दो कंपनियों के नाम मैंने अभी आपको बताए थे, उसमें सबसे पहली है कहील टर्मिनल कंपनी और दूसरी है अबू धाबी पोर्ट। ये दो कंपनियां हैं जिसने इस पोर्ट को खरीदा है, ठीक है। दूसरा, 10 साल के भीतर भीतर ये 1.8 हजार करोड़ रुपए का इसमें निवेश करेंगे और साथ में इस पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे। ये काम पाकिस्तान भी कर सकता था, लेकिन उसे अब देश का सामान बेचना है तो वो अब इसे नहीं करेगा, ठीक है ना। ये पाकिस्तान को समझना चाहिए था, अय्याशी तो इसने बहुत कर ली, लेकिन अब इसकी नौबत आ गई है कि अपना घरों का सामान बेचना स्टार्ट कर रहा है। बेचने दो, अच्छी बात है, आने वाले समय
समय में ये पूरा ही बिक जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरी चीज आपके अंदर एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर आप ये बताइए, आप बात ये भी आती है कि जो है क्या पूरा पोर्ट ही बेच दिया इन्होंने, क्योंकि अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि भैया 60% एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इनके इस कराची पोर्ट से, तो क्या पूरा ही बेच दिया, ये तो बहुत बड़ा होगा। नहीं, ये पूरा नहीं बेका है। देखिए कराची पोर्ट जो है ना, इस पर कुल 33 बर्थ है। क्या है? इसमें कुल 33 बर्थ है। बर्थ का मतलब क्या होता है? जहाज को खड़ा करने की जगह, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने पूरा नहीं बेचा है, इन्होंने 4 बर्थों को बेच दिया है। 4 बर्थ मतलब इन्होंने 6 से लेकर 9, जो 9 तक के बर्थ है ना उसको बेचा है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। देखिए चीजों को समझो, ये अच्छी बात होती है, लेकिन फैक्ट भी समझने चाहिए। अब आपने कहीं पर पढ़ा भी होगा कि कराची पोर्ट अपना बेच रहा है ना, तो आपको लगा होगा पूरा कराची पोर्ट ही बेच दिया इसने, तो अपना 60% इसने जो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला काम था जहां से कमाता था थोड़ा बहुत, इसने तो पूरा वही बेच दिया भैया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा नहीं बेचा है उसने, इसने केवल 6 से 9 तक बेचा है, यानी कि 4 जो है बर्थ को बेच दिया है। 4 बर्थ का मतलब जहां पर जहाज खड़े होने की जगह को बोला जाता है। क्लियर है ना। दूसरी बात ये आती है, अब जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाया वो यूए की कंपनी करेगी, ये यूए की तरफ से कहा गया है, ठीक है। यूए की जो आबू धाबी वाली कंपनी है, जिसमें मैंने आपको 2 नाम बताए थे, उसमें एक कंपनी आबू धाबी कंपनी है, वो एक बात को क्लियरेंस करती है, मतलब पूरा क्लियर बोलती है कि कराची पोर्ट का जो टन है, मतलब जो क्षमता है, सालाना 7.5 लाख कंटेनर का क्षमता है इसकी, ठीक है, किसकी, कराची पोर्ट की। अब ये कहते हैं हम इसी 7.5 लाख कराची पोर्ट की इस टन की क्षमता को 10 लाख कंटेनर तक कर देंगे। अब जब यूएई कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं करेगा, क्योंकि अयाशी खत्म नहीं हुई है और इसे देश को बेचना है बस, ठीक है। तो ये तो यूएई की तरफ से कहा गया है। वही अब मैं अगर इसके किराए की आपसे बात करूं, तो इसका किराया जो बनता है, अगर इसका एक दिन का जो मतलब माफ करेगा सालाना जो किराया है वो 1100 रुपए प्रति वर्ग मीटर मिलेगा यूएई को। तो आप समझ सकते हैं कि यूएई इससे कितना कुछ कमाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले वो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेगा, इसको बेहतर बनाएगा ताकि लोग इससे आकर्षित हो। क्लियर है। दूसरा ये आता है, ये याद रखिएगा कि ये जो कराची पोर्ट है ये पूरा साउथ एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, और यहां पर एक बार फिर बता दूं कि पाकिस्तान का 60% एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसी कराची पोर्ट से होता है, जिसको अभी यूएई को बेच दिया है, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजी पोर्ट भी इसी को बोला जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है कि ये बताइए साउथ एशिया का सबसे और पाकिस्तान का सबसे बिजी पोर्ट कौन सा है, तो आपका नाम होना चाहिए कराची पोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये बंदरगाह करीब, अगर मैं इसकी बात करें कितना बड़ा है ये, तो 11.5 किलोमीटर लंबा ये है, कितना, करीबन 11.5 किलोमीटर लंबा है ये, आपको याद रखना है। जब ये इसमें इतनी सारी काबिलियत है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान इसे क्यों बेच रहा है, क्या अपने देश को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए बेच रहा है, या फिर और भी कोई कारण है, तो उसी के ऊपर देखिए, इसके 2 महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। सबसे पहला है, 16 जून 2023 को पाकिस्तान का रिजर्व बैंक एक घोषणा करता है, जिसमें पाकिस्तान के रिजर्व बैंक का एक खुलासा निकल कर आता है कि पाकिस्तान के पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 3.5 बिलियन डॉलर का रह गया है, यानी कि अगर मैं रुपए में बताऊं तो 28,500 करोड़ रुपए ही रह गया है। अब किसी देश के अंदर 3.5 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार रहना, इसका मतलब है देश का कंगाल होना नहीं होता है, देश का खत्म हो जाना होता है, ठीक है ना। पाकिस्तान का ये साल दर साल घटता जा रहा है, क्लियर है। इतने पैसे में बताया गया कि पाकिस्तान मुश्किल से 2 सप्ताह तक ही विदेशी चीजों को मंगा सकता है। अब आप पूछेंगे ये क्या बता दिया आपने, देखो मैंने कई बार आपको वीडियो में काफी बार क्लियर कराया है कि हर देश के पास अपना विदेशी मुद्रा भंडार होता है, जिससे वो दूसरे देश से लेन देन कर सकते हैं। भैया रुपये में तो लेन देन नहीं हो सकता है, आने वाले समय में होगा, इसके ऊपर ब्रिक्स और जो है जितनी भी अपनी ये कंट्रियां हैं वो मिलकर इस पर काम कर रही है, ठीक है ना। ब्रिक्स जैसी कंपनियां जो कंट्रियां हैं, ब्रिक्स कंट्रियों का जो देश है वो इसमें काम कर रहा है, ठीक है, अलग मुद्दा है, किसी दिन अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी क्या होता है कि सभी देशों के पास एक विदेशी मुद्रा भंडार होता है, जब किसी देश के पास ये विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाता है वो देश कंगाल हो जाता है, वो अपने को सिलेंडर कर देता है, भैया मेरे पास जो है ना ले जाओ आप। हाल ही में भी आपने श्रीलंका वाला कांड देखा भी होगा, श्रीलंका में भी क्या हुआ था, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म था, क्या कह रहा था, कर चुकाने के लिए श्रीलंका, कि भैया हमारे पास जो हमारी करेंसी है ना, जो
श्रीलंकाई करेंसी है, आप उसे ही लेकर अपना कर्जा चुका लो, हमारे पास नहीं है कुछ भी। ठीक है, वही हो रहा जा रहा है धीरे धीरे पाकिस्तान के बाद, इनकी तो करेंसी भी ऐसी नहीं है जो ली जाए। चलो, पाकिस्तान अपनी कमजोर कमजोर इकोनॉमी को संभालने के लिए भी विदेशी निवेशों को हर हाल में पाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इसके पास इसकी इकोनॉमी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, जिसे संभालने के लिए केवल एक ही उपाय है इसके पास कि ये चीजों को बेच दे भैया और अपना पैसा ले कहीं ना कहीं से। ठीक है ना, हालांकि ऐसे ये देश कभी पनपने वाला नहीं है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, अभी मैंने क्या कहा था, रिजर्व बैंक ने कहा कि भैया उसके पास साढ़े तीन बिलियन डॉलर का ही जो है पैसा रह गया है, विदेशी मुद्रा भंडार है। देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि साल भर साल जो है इनका पैसा, इनका जो है डॉलर माफ करेगा विदेशी मुद्रा भंडार जो है गिरता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। 16 जून 2023 में आप लास्ट में आके जब देखेंगे, साल भर के अंदर ही ये 3.5 अरब डॉलर तक इनका व्यापार जो है विदेशी मुद्रा भंडार इनके पास बचा है। ठीक है, अब पाकिस्तान डिफॉल्टर होने से बचने के लिए और क्या कर सकता है, अगर मैं बात करूं तो ये क्या क्या और ये कर सकता है, तो भैया इसको IMF ने ही इसको कहा है कि तू सबसे पहले तो अपने देश से आतंकवाद को खत्म कर। ये तो नहीं करेगा, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैं भी जानता हूं कि ये चीज तो ये बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसने क्या करा, दूसरा IMF ने भी इससे कहा कि भैया आप कुछ तो ऐसा करो, या तो आप अपने देश में टैक्स बढ़ा दो, या फिर भैया आप अपने जो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हो नेता लोग, उसको कम कर दो। तो इसने वही चीज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा ये जो चीजें कर रहा है वो IMF के कहने पर कर रहा है, क्योंकि IMF भी इसे लोन देने को तैयार नहीं है। इसका जो बाप है चाइना, वो तो उसने भी लोन दिया है, लेकिन वो भाई साहब खुद अभी कंगाल की स्थिति पर आ रहे हैं धीरे धीरे करके, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे है ना। तो चलिए, तो अभी जो है कोर्स कटिंग कर दी इसने, स्टार्ट कर दी है। कोर्स कटिंग का मतलब क्या होता है, इन्होंने जो है, जो यहाँ के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, इन्होंने अपने मंत्रियों को कह दिया है भैया आप, इन्होंने कहा है भैया जो आप बिजनेस क्लास में सफर करते हो ना वो बंद कर दो और उसे इकोनॉमी क्लास में स्टार्ट कर दो। बिजनेस क्लास में कोई भी मंत्री अधिकारी जो है सफर नहीं करेगा। दूसरा, लग्जरी गाड़ियों में घूमना बंद कर दो, इस्तेमाल से बचने के लिए जो है सलाह दी है कि भैया आप लग्जरी गाड़ी ना खरीदे, क्योंकि एक तो महंगी इतनी है, दूसरा देश पूरा कंगाल बैठा हुआ है। ठीक है ना, तीसरा इन्होंने कहा, इन्होंने अपनी सेना को लड़ाई के अलावा और अन्य खर्चों में भी कटौती करने को कहा है। इन्होंने ये तक भी, मतलब ये अपनी सेना पर भी अब खर्च करने को, कटौती करने को बोल गया, समझ रहे हो ना देश की हालत कितनी खराब है। दूसरा, आम लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया इन्होंने, इन्होंने अभी जो है एक मिनी बजट निकाला। ठीक है, लोग बजट निकालते हैं, इन भाई साहबों ने मिनी बजट निकाला। मिनी बजट जब इन्होंने निकाला तो उसमें इन्होंने कार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान, चॉकलेट, लग्जरी सामानों के आयात पर जहां 17% का टैक्स लगा रहे थे, वहीं इन्होंने उस टैक्स को बढ़ाकर 25% तक कर दिया। दूसरा, पेट्रोल डीजल पर भी इन्होंने टैक्स को इतना बढ़ा दिया कि आम व्यक्ति उसको नहीं खरीद रहा है। पाकिस्तान में लोगों की गाड़ियां घर में ही रखी हुई है। ठीक है, ये सारा कारनामा जो कर रहा है ये IMF की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है, क्योंकि IMF ने इसको जो है लोन तभी प्रोवाइड करेगा जब ये पाकिस्तान जो है उसकी सारी बातों को समझेगा, मानेगा, करेगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर इस समय इसके पापा कहाँ है, मतलब चाइना का है। तो भैया चाइना जो है, चाइना पर जो है इसकी निर्भरता तो काफी बड़ी है, अब तो और बढ़ गई है, क्योंकि फरवरी 2023 में एक रिपोर्ट थी जिसमें पहले ही सप्ते में 5.75 हजार करोड़ रुपए का इसको जो है कर्ज चीन ने पाकिस्तान को दिया था, जिससे इसके विदेशी मुद्रा भंडार में 20% की वृद्धि भी हो गई थी। लेकिन कब हुई, जब चाइना ने दिया। अब चाइना भी कितना देगा भैया, चाइना भी कितना देगा, क्योंकि पाकिस्तान से आने की उम्मीद तो है ही नहीं, सारी जाने की उम्मीद ही है। ठीक है ना, इससे विदेशी मुद्रा भंडार तो इसका बढ़ गया, लेकिन वो दिया था फरवरी में, अभी जून चल रहा है, जून में ये फिर दोबारा कंगाली में बैठ गया, क्योंकि इनके पास करने को कुछ नहीं है, समझ रहे मेरी बात को। दूसरा, पाकिस्तान ने अभी ईरान के साथ भी अपनी दोस्ती को काफी बढ़ाया है, जिससे दोस्ती इसलिए बढ़ाया ताकि बाजारों को खोला जा सके, चीजों का आयात निर्यात किया जा सके, ताकि इसकी अर्थव्यवस्था अच्छे से सुधर सके। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान अपनी जिस तरीके से इकोनॉमी को सुधारना चाह रहा है वो सुधार पाएगा या नहीं पाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे को तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है, आपको कितनी उम्मीद है पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी है, कहीं पर आपको कुछ लगा हो कि मैंने नहीं समझाया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आंसर आपको 100% वहां पर मिलेगा। ठीक है, दूसरा, जितना भी मैंने आपको समझाया है इसका मोटे तौर पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भैया देखिए, पाकिस्तान अब
जहाँ अपने जब उसने 60% इनपुट एक्सपोर्ट वाली चीज बेच दी है, बंदरगाह अपना बेच दिया है, तो आने वाले समय में ये देश को पूरा बेच देगा, ये कहीं पर भी कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसको अपने चीजों पर ध्यान देना चाहिए। यूएई जैसी यूएई की कंपनी जब ये कह सकती है कि वो 10 लाख टन तक इनका जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते, तो पाकिस्तान भी कर सकता था, लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इसकी जो कंगाली होने का कारण है ना, वो एक चीज ये भी है कि यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में है, ठीक है। जब भी आपको पता होगा पाकिस्तान में कोई भी आज तक 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बना ही नहीं है, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, कोई 3 साल, बस उसके बाद नहीं बनाए। तो इनको सबसे पहले अपनी राजनीति को भी सुधारना होगा, ठीक है। इन्हें मोदी जी से कुछ सीखना चाहिए कि राजनीति किस तरीके से करी जाती है। आई होप ये समझेगा आने वाले समय में, नहीं तो किसी दिन चाइना के कब्जे में चला जाएगा और कुछ नहीं। क्लियर? तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।